आज की जो गांव में पोजीशन है, मैंने कोई पार्टी बाजी मतलब को नहीं, जो चीज धरातल पर है मैं बेंगू थाने विवरण थारे सामने आज प्रस्तुत करूंगा। थोड़ी सी बात पूछूंगा, क्योंकि पिछली बार भी थारा आंकड़ा लगभग स्टिक गया है और थे बादरा नवाज चीज जदी भी है, लेकिन अब की बार थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि टक्कर को मुकाबलो लोग कंफ्यूजन में, लेकिन मैं उम्मीद करांगा थे इससे आंकड़ा बताओगा। मैं प्रेसीमन की पंचायत की बात करूंगा, जो 7 पंचायत है वे मैं जो मारो आंकड़ो पहले मैं बता दूं, बठे 3 पंचायत में बलवान भारी है, 2 पंचायत में जो है बीजेपी सोनी लीड करने लाग रही है, हालांकि बठे 1-2 पंचायत में 2 नंबर की लड़ाई राजेंद्र जलंधर भी लड़न लाग रही है। तो मैं बात रामगढ़ हूँ, गोगा मेडी हूँ, ए बेल्ट शुरू करूंगा, तो बताओ थोड़ा सा मतलब। पहली बात तो है राजेंद्र जी, मैं अब तक 3-4 सर्वे कर रहा हूँ, आज तक मेरे सर्वे के रामगढ़ में तो वोट आया, सबसे बड़ी लीड है, सबसे बड़ी लीड आज, मतलब अगर नेठाणा भी बड़ी, अगर ज्यादा लीड निकल जाए रामगढ़ की तो शोक ना हुई हो, बहुत बड़ी लीड संजीव बेनीवाल की रामगढ़ के अंदर आने लग रही है, संजीव बेनीवाल जीतने लग रही है, और एक जहाँ दीपलाना है बैंक अंदर थोड़ी सी फाइट है, 200-300-400 वोट आऊ बलवान भी जीत जाए, इसी कोई कहानी को नहीं, और उज्जलवास के अंदर संजीव बेनीवाल 100-200 वोट आऊ भारी है, उज्जलवास से 700 है, ठाणा में भी संजीव बेनीवाल की लीड है, एमें कोई दो राय को नहीं, कुछ 100-200 वोट की लीड जो है ठाणा के अंदर कम हुई है हमारा आंकलन, पहली में जो लीड मानन आ रहा 2.5-3 हजार की मानन आ रहा, अब वहां मोटा मोटी 2 हजार गए आस पास की ठाणा के अंदर लीड है, वह लीड भी कोई छोटी लीड को नहीं। और अब बात रही अगर थे मतलब और पंचायत पर जाओगा तो मैं थाने 15-20 पंचायत इसी बता सकूं संजीव बेनीवाल की, जैंग अंदर अगर रिजल्ट सही तरीका आ गयो तो मैं थाने इतनी बात कह सकूं कि अगर आंगी 5-7 पंचायत जीत भी गया नहीं है तो बा एक नी ठाणा पंचायत कह दो, रामगढ़ पंचायत कह दो, दो पंचायत ही ले बैठेगी वह सिस्टम ने, मतलब आज मतलब जो पंचायत बड़ी जीत है। हाँ, आज ये वोटर जो कंफ्यूज हो रहे हैं नहीं, मैं बताऊं दरअसल माने मेन मुद्दों के मिले हैं अंदर, मेन मुद्दों जो माने पंचायत में देखने के लिए मिले है अंदर, मेन सारों बड़ी कहानी या नारी है कि 10-15-20% वोटर की अभी भी दब रहे बह किया है कि साफ आपकी तस्वीर कौन बोलना रहा, अब थे जी कैमरों लेके जाना रहे हो थारे पर पूछना रहे हो कि यहाँ भी वोट कहने देगो, वो एक ही बात कहो पहली तो वो इन्हें भी ने देखा वो फिर के कहो बलवान ने दिया, मैं बताऊं कारण के देखिए, कारण ये है देखो मैं कोई काम भी करवाया है, कोई सरकारी है, कोई टीचर में है, कोई अगलो आपकी परिवार की सारी बात ने ढकन चावे, समझ गया थे मेरी बात ने, तो वो आज चावे भी आज मतलब की है कोई बलवान पुनियो चुनाव जीत गया तो कान ले की मतलब हमारे कहीं इतनी कोई दिक्कत ना हो जा भी, आज कोई जरूरी को नहीं है हर आदमी को कोई विधायक को काम पड़े, मेरी बात ने समझ गया थे, डर की राजनीति, डर की राजनीति गाँव में माने देखने के लिए मिली है हमारे सर्वे के अंदर, मतलब डर भय जगह कर्मचारी है या कोई गरीब आदमी है अंदर डर देखने मिले भी वजह खुल के को नहीं आना, थोड़ा बहुत माने 10% वोट माने 10-15% माने दबाव दिखी है, लेकिन मैं वोट रहा हूँ मैं फिर मतलब कैमरों पीछे भी जाकर बात करी है, घर भी जाकर बात करी है, लेकिन बांग की है कि जो सामने जो बोलन ना रहे नहीं बे में और एक पीछे जो बोलन ना रहे बे में कुछ माने फर्क दिखन ना रही है, माने आशंको ये है अगर वह वोट अगर बीजेपी के पड़ जाए तो मेरे हिसाब से मतलब की है कि बीजेपी संजीव बेनीवाल भादरा से एक बड़ी जीत की तरफ जाना रही है, बड़ी मतलब कितनों को माना, देखो मारा आकलन आज के टाइम में 15,000-20,000-25,000 के प्रोक्स संजीव बेनीवाल जी जीतना रहे, अगर वोट अगर सिस्टम वाइज पड़ जाए जो मैं चीज सोचना रहा तो यह 30,000 प्लस भी जीत जा सके। थोड़ी सी बात और पंचायत के अलावा कन्फ्यूजन मारो कन्फ्यूजन दूर कर लियो बाकी थे थारो कर दियो, अजीतपुरा सागड़ा निनाण पंचायत की स्थिति थोड़ी क्लियर को नहीं रही, भी सर्वे करे देखो निनाण पंचायत को मैं सर्वे करी है, बैंक अंदर की है कि देखो मुकाबला की फाइट है, कोई चक्कर कोनी, लास्ट के अंदर 100-200 वोट से बलवान भी जीत जाए बड़ी जीत कोनी कोई पार्टी की भी, आंग अंदर की है 200-250 वोट की हार जीत है, अगर बीजेपी की लहर चालगी हवा चालगी तो बे हिसाब से तो किए 50-100 वोट से संजीव भी निकल जा और हारन ने किए 200-300 वोट से हार भी जा, बड़ी जीत बलवान पूनिया की कोई पंचायत में कौन दिखना रही माने सागड़ा जीतपुरा सागड़ा अजीतपुरा सागड़ा तो देखो नहीं है कि थोड़े बहुत बस फाइट आ रही सीट है जो मैं था लिख रखी है बता दूं मैं, अजीतपुरा के अंदर भी आज थोड़ा बलवान भारी है लेकिन बस वो 100-200 वोट से भारी है, सरदार गडिया में अंदर केंद्र बना रखे है, सरदार गडिया के अंदर पीछे ब्लॉक में बहुत बड़ी जीत हो रही है, हालांकि मारा सर्वे आ गया कि सरदार गडिया पंचायत जो है बीजेपी सुने बटों जीते, लेकिन तारो एक सर्वे भी करे हो गए हालांकि मारे श्यामी के नाम बताए सरदार गडिया की स्थिति, सरदार गडिया की स्थिति जो भी पीछे ब्लॉक को चुनाव हो बेंगी तुलना में देखोगा तो बिल्कुल विपरीत रिजल्ट आओगे, अब की बार सरदार गडिया के अंदर संजीव बेनीवाल जीतना है, मतलब के कारण देखियो लोग कारण तो बस वही है जी, एक तो की है बे चुनाव होया पहली बे की है मौजूदा सरकार के अंदर होया बैंक अंदर की हुआ कभी आज जो विधायक हुआ है वो आज जनता ने कोई बात बोल लेगो या प्रेशर डालेगो तो वह बात की है लोगों ने लागेगी कभी हाँ आज यो विधायक है मौजूदा में तो बेने बे चीज की बात भी माननी पड़े सारी बात रखनी भी पड़े, आज तो की है भी लोगों ना भी दिखन आ रही है राजस्थान के अंदर बीजेपी सरकार आने लग रही है तो बेंगू भी इफेक्ट पड़े राजेंद्र, एक छोटी सी सर्वे में अलग सी बात पूछ लू
पीछे थे बड़ी माकपा 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 मतलब माकपा की सरकार बना के मान्या, अब बड़ा भाजपा 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 के धार रखी है, मतलब था नहीं बनानी है सरकार के या कोई नाराजगी अतल पर मौजूद है क्योंकि पीछे माकपा का जो सर्वे दिया लगभग स्टिक बैठे था तो बैठे बलवान ने एक तरफा दिखा तो बैठ टाइम हो। मैं आज मतलब कि ये 5 साल पहले सर्वे निकाले हो बैंक अंदर बलवान पूनिया का, मैं वोट निकाल के ले 82 से 86 हजार के बीच में, 82 हजार कुछ वोट आया। संजीव बेणी वाले का वोट निकाले मैं मोटा मोटी 54 से 58 हजार के बीच में, बैंक 59 हजार वोट आया। मैं उनको भी पूरा परफेक्ट आया, कोई 1500 वोट ऊपर नीचे हो जाए। कांग्रेस का वोट में ये निकाले साहब, अब कोई गड गड की कौन रहा था मैं बताऊं। इनके अलावा बात आप सेरडे की करा, बात डबड़ी की करा, बात भिराणी की करा। सेरडा के अंदर 1000+ वोट संजीव बेणीवाल जीतन आ रही है। अब बलवान की जीत मान रहे हो? देखो आज के टाइम में तो 5-4 पंचायतों में है और 15 एक पंचायत के अंदर माना फाइट दिखन आ रही है। मोटा मोटी 20 पंचायत मानसो थे, बैंक अलावा जो पंचायत है सारी में लगभग संजीव बेणीवाल बढ़ना रही है। दूसरी बात सर, चुनाव हर जगह होना रही है, भादरा में अपने तो चुनाव होना रही है, आपसी भाईचारो खत्म करना रही है, प्रेम प्यार खत्म करना रही है, आज चीज नहीं होनी चाहिए। शहर को कोई मेजर कारण के लग गए हो कि बलवान पुनिया पिछड़ने को या बलवान पुनिया पिछड़ रहने को? हालांकि बलवान पुनिया दावा बहुत ज्यादा करे कि मैं जो है क्योंकि ताकत भी बैंक सागर चेयरमैन सागर है, ताकत भी बैंक ने है। मेजर कारण तो यही है, काम तो देखो कि है कि कांग्रेस की सरकार है जो पीछे के 6 महीना में सारे राजस्थान में बहुत कराए, कोई सड़क ट्रैक्टर है तो भाई बात है। कुछ लोग हुए जेंगो मतलब की है कि कोई आदमी हो वो बन बढ़िया लगे। अब कोई बलवान पुनिया का भी फैन है, संजीव बेणीवाल का भी फैन है, तो इसी बात को नहीं, भादरा तहसील के अंदर मिन्नू बेणीवाल का भी फैन है। चंदन और जो डीजल वाला प्रकरण हो बिंगी भी चर्चा घटन घटे फैक्ट है भी चीज को या फिर वो एक प्रकरण भूल गया? कुछ देखो राजेंद्र जी, कुछ लास्ट के दिन के अंदर जो 2-4 भ्रष्टाचार आगा आया है लोगों की नजरा में है, वह बातें भी आगा आवे, लेकिन देखो की है कि बैंक चीज को मैंने थोड़ी सी जानकारी कम है कि मैंने इतना ध्यान को नहीं कि भी बैंक अंदर बहुत मेहनत करी है, मैं कोई दोहराए को नहीं, गांव गांव फिर हुए अब बैंक अंदर प्रोग्रेस भी हुई है। लेकिन आज मतलब की है 20-25 हजार से संजीव बेणीवाल चुनाव जीतन आ रही है। अगर जो दबाव का वोट है जो गाँव में मैं थाना बात करना रही हूँ बार बार बात की, अगर वह वोट संजीव बेणी है इसी हवा हुआ कोई कहानी को नहीं। सनी भाई अपने सगे हार